इन्फॉर्मेशन इज बॉक्स वन कंटेन्स थ्री कार्ड्स बेयरिंग नंबर 1, 2, 3, बॉक्स टू कंटेन्स फाइव कार्ड बेयरिंग नंबर 1 to 5 एंड बॉक्स थ्री कंटेन्स सेवन कार्ड बेयरिंग नंबर 1 to 7. दिस इज अ बॉक्स बी वन कंटेन थ्री नंबर्स 1, 2, 3. दिस इज अ बॉक्स टू कंटेन नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज अ बॉक्स थ्री कंटेनिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके बी पिक वन नंबर फ्रॉम बॉक्स बी वन वन नंबर फ्रॉम बॉक्स बी टू वन नंबर फ्रॉम बॉक्स बी थ्री. बॉक्स बी वन से जो नंबर पिक कर रहे हैं दैट नंबर इज एक्स वन दिस नंबर इज एक्स टू और बॉक्स बी थ्री से जो नंबर पिक कर रहे हैं दैट नंबर इज एक्स थ्री एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बिकम्स ऑड. ओके वी क्लियरली नो दैट द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स बिकम्स ऑड ओनली इफ ऑल थ्री इंटीजर्स आर ऑड एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज वन इंटीजर इज ऑड एंड द रेस्ट टू इंटीजर्स आर इवन. ओके फर्स्ट केस इफ ऑल थ्री इंटीजर्स आर ऑड द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज वॉट ऑड नंबर्स फ्रॉम बॉक्स बी वन 2/3 ऑड नंबर फ्रॉम बॉक्स बी टू द प्रोबेबिलिटी इज 3/5 एंड द ऑड नंबर फ्रॉम बॉक्स बी थ्री द प्रोबेबिलिटी इज 4/7 एंड द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस बिकम्स 24/105. सेकेंड पॉसिबिलिटी वेन वी टेक ऑड नंबर फ्रॉम बॉक्स बी वन एंड इवन नंबर फ्रॉम बॉक्स बी टू एंड बी थ्री. ऑड नंबर फ्रॉम बॉक्स बी वन द प्रोबेबिलिटी इज 2/3 इवन फ्रॉम बॉक्स बी टू द प्रोबेबिलिटी इज 2/5 एंड इवन फ्रॉम बॉक्स बी थ्री द प्रोबेबिलिटी इज 3/7 एंड द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस बिकम 3 × 6 × 12 12/105. नेक्स्ट केस इफ वी पिक इवन नंबर फ्रॉम बॉक्स बी वन इवन प्लस ऑड प्लस इवन इवन फ्रॉम बॉक्स बी वन दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/3 ऑड फ्रॉम बॉक्स बी टू दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3/5 एंड इवन फ्रॉम बॉक्स बी थ्री दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3/7 द प्रोडक्ट बिकम्स 9/105 एंड द लास्ट केस वेन वी टेक इवन नंबर फ्रॉम बी वन इवन फ्रॉम बी टू एंड ऑड फ्रॉम बी थ्री एंड द प्रोडक्ट इन दिस केस बिकम्स इवन फ्रॉम बी वन दैट इज 1/3 इवन फ्रॉम बी टू दैट इज 2/5 एंड लास्ट केस ऑड फ्रॉम बी थ्री दैट इज 4/7 एंड द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस इज 8/105. देयरफोर व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट द सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज दैट बिकम्स 24 + 12 + 9 + 8 / 105 एंड दिस सम बिकम्स 53/105. देयरफोर आंसर इन दिस केस इज बी. क्वेश्चन नंबर 52. Now we have to find the probability that x1, x2, x3 are in AP. x1, x2, x3 are in AP means x1 plus x3 equal to 2x2. That is 2x2 means what? 2x2 means even integer. That is we can write x1 plus x3 equals to even integer for each x2. And the sum of two numbers becomes even in two cases only when both numbers are even and when both numbers are odd. The first case we consider when both numbers are odd. Box B1 say odd number. Odd number nikalne ki probability hogi. There are two odd numbers 2/3. Odd number from box B2. Odd number from box B3. This probability becomes 4/7. And any one number from box B2 the probability becomes 1/5. This probability becomes 8/105. The second possibility when we take even number from box B1 and even number from box B3. Even number from box B1 the probability is 1/3 and even number from box B3 this probability is 3/7 and we take any number from box B2 the probability is 1/5. Therefore this probability becomes 3/105. Therefore, required probability in this particular case is the sum of these two cases 8 + 3/105 that is 111/105. And therefore, answer in this case is C.
क्वेश्चन 53, we are given that PQRS be four distinct points on the parabola y square equals to 4ax. This is a parabola y square equals to 4ax, and the coordinate of point P is 80 square 280. And we are given that PQ is a focal chord of the parabola. The coordinate of focus is a comma 0. The coordinate of focus is a comma 0, and Q is the other extremity of the focal chord. We already know that if T1 and T2 are the extremities of focal chord, then T1, T2 is what? Minus 1. And if the extremity and if the point corresponding to the point P is T, then the parameter corresponding to the point Q is minus 1 over T. Therefore, coordinate of other extremity is A by T square minus 2A by T. We again given that QR and PK are parallel. QR and PK, the point K is 2A comma 0. Therefore, line PK is this, and QR is parallel to PK. The point R is AR square comma 2AR. If these two lines are parallel, their slopes must be same. Okay. First point, we have to find out the value of R. We have to find out the value of R. Now, what is the slope of chord PK? Slope of chord PK is 280 minus 0 upon A into T square minus 2. That is 2T upon T square minus 2. And what is the slope of the chord QR? That is 2A R plus 1 over T divided by A R square minus 1 over T square, and this becomes 2 upon R minus 1 over T. We are given that these two lines are parallel, therefore slope of chord PK equal to slope of QR. This implies 2T upon T square minus 2 equals to 2 upon R minus 1 over T. This implies R minus 1 over T equals to T square minus 2 upon T. This equals to T minus 2 over T. Therefore, R is what? T minus 1 over T equals to T square minus 1 upon T. And the answer of this question is option number D.